फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस उम्र में बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेक्स एजुकेशन क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी एजुकेशन जो सेक्स को लेकर है। अब सेक्स में क्या आ जाता है, जो भी बच्चे का प्राइवेट पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन है, या प्रेगनेंसी कैसे होती है, क्या बैरियर मेथड्स होते हैं, सेक्स को लेकर जो भी चीज़ें हैं उनको डिस्कस करना, उनको समझाना, ये सब आता है सेक्स एजुकेशन में। सेक्स एजुकेशन के बाद बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो अगर किसी को सेक्स एजुकेशन प्रॉपर वेमेन नहीं होती है तो उससे उसको क्या नुकसान हो सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी या टीन एज में प्रेगनेंसी, एड्स हो सकता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है अच्छे से, एसटीडी हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिप्रेशन में जा सकता है बंदा। अगर एक आम तरीके से बात की जाए, सेक्सुअल लाइफ की बात की जाए, तो आप और हम सभी जानते हैं जितने भी अडल्ट हैं कि अगर किसी की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होती, बाकी चाहे उसने कितने भी अचीवमेंट्स कर रखे हो, लेकिन सेक्सुअल लाइफ में अगर वो बंदा सक्सेसफुल नहीं है या मतलब उसको खुशी नहीं मिलती है, तो उसमें भी एक तरह का डिप्रेशन आ जाता है। तो सेक्सुअल लाइफ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप अपने करियर को लेकर करते हैं, उसको सेक्सुअल लाइफ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद बात आती है अगर सेक्स एजुकेशन को बच्चों को किसको समझाना चाहिए, किसको देना चाहिए, तो इसमें मेन रोल आ जाता है पेरेंट्स का। अब यहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि पेरेंट्स को सिखाना चाहिए, लेकिन बच्चों को सेक्स के बारे में बताना बड़ा ही अनकंफर्टेबल फील होता है, नहीं हो पाता, किस तरह से करना चाहिए, वो इस मामले में थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 टिप्स आपको ऐसे देना चाहूँगी जिससे आपका और आपके बच्चे के बीच का कम्फर्ट लेवल इतना हो जाएगा कि आप आसानी से बात कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बच्चा अगर कोई भी ऑकवर्ड क्वेश्चन पूछता है, चाहे आपसे अकेले में पूछ रहा है, चाहे सबके बीच में पूछ रहा है, आपको उसको डांटना कभी नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप डांटेंगे ना तो दूसरी बार में बच्चा आपके पास नहीं आएगा, वो किसी और को ही ढूंढेगा अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि बच्चा एक ऐसी चीज़ होती है, उसके मन में क्वेश्चंस अराइज होते रहते हैं, क्योंकि उसने अभी समाज को देखा नहीं होता, वो बहुत क्वेश्चन करता है, तो फिर वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, बच्चे अधिकतर गेम्स खेलते हैं डॉक्टर है ना, तो उसमें क्या होता है, कई बार छोटे बच्चे दूसरे बच्चे के साथ कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता। तो ऐसे में पेरेंट्स को डांटना नहीं है, उनको समझाना है कि ये प्राइवेट पार्ट्स हैं, आपके भी हैं और जो आपका फ्रेंड है उसके भी हैं। आप दोनों को इस चीज़ का अधिकार नहीं है कि आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को टच करें। बच्चों को इस चीज़ पर डांटना नहीं है, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स को देखा गया है कि अगर वो ऐसी हरकत कर जाते हैं तो एकदम बच्चों को डांट देते हैं, वो सबका सोच के डांटते हैं कि सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं सोचना है, बच्चे को आराम से समझाना है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ गेम खेल रहा होता है उस टाइम पे, उसे ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जो बच्चे होते हैं किसी को देख लेते हैं, कुछ भी है तो कुछ गलत हरकत करते हैं, तो वहाँ पर क्या है, बच्चों को टैग नहीं लगाना है। कुछ पेरेंट्स की क्या आदत होती है, अपने बच्चों को तो मोस्टली नहीं करते हैं, किसी दूसरे के बच्चों को बहुत ज़्यादा करते हैं, कि अगर कुछ गलत हरकत करते देख लिया तो बच्चा बाद में चाहे कुछ भी करे तो उसको एक टैग लगा दिया जाता है कि अरे तो जब छोटा था ना ऐसे करता था, ऐसी हरकतें करता था। तो ऐसे टैग नहीं लगाना, क्योंकि वो बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है, बच्चों के बचपन की हरकतों को लेके उस पर टैग नहीं लगाना चाहिए, वरना वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उनको फिर समझ में कुछ नहीं आता, सिर्फ वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, बच्चे कितने भी सवाल पूछें, 2 पूछे, 1 पूछे या 10 पूछे, आपको सारे सवालों के जवाब देने हैं, वो भी साइंटिफिक वे में देने हैं, कोई मन धड़ंग कहानियाँ नहीं बनानी है। हम अधिकतर सोचते हैं कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन नहीं, अगर बच्चे के मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसको समझने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्वियसली अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि जो बच्चा होता है वो कहाँ से आता है, तो आपको ये नहीं कहना कि आसमान से परियां आती हैं बच्चों को छोड़ जाती हैं। आप बच्चे की एज देखेंगे, लेवल देखेंगे कि भाई छोटा है तो उसे उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे कि बच्चा मम्मा के पेट से निकलता है। बच्चा उठने में सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर ये बोल देंगे जैसे जो बर्ड्स के एग्स होते हैं उनसे बच्चा निकलता है, ऐसे मम्मा के पेट में भी एग्स होते हैं तो उनसे भी बच्चे बनते हैं। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आप उनको इस एक साइंटिफिक वे में आंसर दो, क्योंकि जब बच्चा और बड़ा हो जाए, चाहे आप उसको रियलिटी बताने जाओ तो बच्चा कन्फ्यूज ना हो कि पहले तो मम्मा ने बोला था ऐसे होता है और अब मम्मा ये बता रही हैं। ठीक है, कोशिश करें साइंटिफिक वे में रियल चीज़ उसको बताने की। ठीक है, तो ये 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं, मेन ओवरऑल यही निकल रहा है कि बच्चे को आपको कंफर्ट लेवल देना है, बच्चे को डांटना नहीं है, उसके ऑकवर्ड क्वेश्चंस पे उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं।
दैट्स इट, ठीक है, आता है, तो इस चीज से आपके और आपके बच्चे के बीच में एक कम्फर्ट लेवल बन जाता है। एंड यस, कोशिश करें, बच्चा अगर कुछ अजीब हरकत कर रहा है, कुछ अलग सा दिख रहा है, तो उससे प्यार से बात करके उसके मन में जो चल रहा है उसको उगलवाने की, एंड यस, उसको ट्रस्ट दिलाएं अपने ऊपर कि पेरेंट्स से बढ़कर उसका अच्छा कोई नहीं सोच सकता, पेरेंट्स से बढ़कर उसके लिए कोई अच्छा सोल्यूशन कोई और नहीं निकाल सकता। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम मेन टॉपिक पर चलते हैं कि सेक्स एजुकेशन बच्चे को किस उम्र में देनी चाहिए। तो कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है कि जिसमें आप सेक्स एजुकेशन बच्चे को दे दें कि भाई, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की बात की जाए इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है सेक्स एजुकेशन, किसी एक टॉपिक में समाया हुआ नहीं है ये। वो सेक्स एजुकेशन की अगर बात करें तो 2 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। किस एज में क्या चीज़ आपको सिखानी है ये आपको इस वीडियो में सीखना है, क्योंकि पेरेंट्स कन्फ्यूज रहते हैं कि क्या, कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से बच्चे को समझाएं। एंड मैं मानती भी हूँ कि होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अपने बच्चे से इस टॉपिक के बारे में बात करना, लेकिन आज का ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, बच्चे भी बहुत समझदार हो गए। पहले के टाइम के जो बच्चे थे वो इतना ध्यान नहीं देते थे इन चीज़ों में, वो अपना गेम्स खेलने में ज़्यादा रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चे नेट वगैरह चलाते हैं और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब वो हर चीज़ में एंशियस रहते हैं कि ये भी पता हो, ये भी पता हो, ये भी पता हो। ठीक है, तो आप समझाएंगे तो समझेंगे भी। और मैं बात करती हूँ सेक्स एजुकेशन को आपको अपने बच्चों को किस तरह से देना है। तो स्टार्ट करते हैं 2 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो इसमें स्टार्टिंग इस तरह से होती है, बच्चों को पहले बॉडी पार्ट्स नेम सिखाए जाते हैं। आपने स्कूल में भी देखा होगा टीचर्स एकदम प्राइवेट पार्ट्स पर नहीं आती हैं, जो मेन मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताते हैं, तो बच्चे उन्हीं पे अटके हुए होते हैं। ऐसा नहीं है ये क्या है वो क्या है, ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके लिए उस टाइम पे वही सीखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उन्हें वो भी नहीं पता होता। तो मेन बॉडी पार्ट्स बताए जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट पार्ट्स पर आते हैं। तो प्राइवेट पार्ट्स पर मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी, बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो आपके अपने हैं, उनको टच करने का हक सिर्फ उनके पेरेंट्स का है, या फिर वो अगर मम्मा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मम्मा टच कर सकते हैं, पापा के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है तो पापा कर सकते हैं। इन दो के अलावा किसी और को राइट नहीं देना है। इनफैक्ट चाहे आपकी सिस्टर ब्रदर है या आपका कोई फ्रेंड भी है स्पेशल, और किसी को राइट नहीं है आपके प्राइवेट पार्ट्स टच करने का। तो ये चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखानी है। ये चीज़ गुड टच और बैड टच में आ जाती है, जो कि आजकल स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। तो प्राइवेट पार्ट्स के बारे में ये चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। सेकंड थिंग, प्राइवेट पार्ट्स के बारे में एक चीज़ और भी बतानी है, आप अपनी बॉडी के खुद मास्टर हैं, कोई दूसरा ये नहीं करेगा कि आपकी मर्जी के बिना आपको कहीं भी टच करे। सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स नहीं, और पार्ट्स की बात की जाए तो दूसरे इंसान को हक नहीं है आपको टच करने का, या फिर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या किसी का टच आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको पूरा हक है शोर मचाने का, चिल्लाने का, या अपने पेरेंट्स को बोलने का कि मुझे इनका टच पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ बच्चे के माइंड में 2 से 5 साल की एज में आपको डालनी है। ये टाइम ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है, जब आप इस एज में बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स के नाम सिखाते हैं तो आपको रियल नेम्स ही बताने चाहिए। जो बॉडी पार्ट्स के अलग नेम होते हैं उनके भी रियल नेम बताए जाते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके भी रियल नेम ही बताने चाहिए। जो बॉय है उसको बताना चाहिए कि पीनस होता है, और जो गर्ल है उसको बताना चाहिए कि उसका प्राइवेट पार्ट वजाइना होता है। वजाइना वैसे बोला जाता है, अधिकतर लोग यूज़ करते हैं टर्म, लेकिन जो गर्ल का प्राइवेट पार्ट होता है, जो एक्सटर्नल जो बाहर से दिखाई देता है, उसको वल्वा बोला जाता है, ठीक है, होता है। तो आपको बच्चे को उनके रियल नेम्स ही बताने चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि प्राइवेट पार्ट हैं। तो इसके बारे में कुछ भी जिक्र करना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मम्मा से शेयर करो, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, ठीक है। तो 2 से 5 साल की उम्र में इस तरह की एक्टिविटीज़ करानी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है 6 से 8 साल के बच्चे। 6 से 8 साल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनका माइंड इस तरह का हो जाता है, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। गुड टच बैड टच उन्होंने सीख लिया, अपने प्राइवेट पार्ट्स सीख लिए, फिर उनके माइंड में क्वेश्चंस अराइज होते हैं। ये एज ऐसी होती है, और अधिकतर इस उम्र का बच्चा ये ज़रूर पूछेगा आपसे कि मम्मा बच्चा कैसे होता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं किस तरह से बच्चे को समझाएं। तो जैसे मैंने पहले कहा, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ ना बनाए कि बच्चा आसानी से समझे या बच्चा कैसे समझेगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनके लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वे में भी नहीं, आप इस चीज़ को इस तरह से ही एक्सप्लेन कीजिए कि जो बच्चा होता है मम्मा के पेट से निकलता है तब भी सेटिस्फाइड नहीं होता, तो आप ये बोलो जैसे बर्ड्स को एग्स होते हैं उनसे बच्चा निकलता है। इनफैक्ट बच्चों की क्लासेस में चैप्टर्स भी होते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो मम्मा होती हैं उनके पेट के अंदर एग्स होते हैं और एग्स से बच्चा निकलता है,
इतने में बच्चा, इस एज का बच्चा सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो आप 6 से 8 साल के बच्चे को इस तरह से आप कर सकते हैं टैकल, या और कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनका आंसर इसी तरह से देना है कि आप फ्यूचर में जब रियलिटी बताओ तो उसको रिलेट कर सके, कुछ स्टोरीज नहीं बतानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एज ग्रुप हो जाता है 9 से 12 साल के बच्चे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है बच्चों के लिए, क्योंकि इस टाइम से बच्चों के शरीर में फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये सब आने शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा होगा अगर आप बच्चों को पहले से बता दें कि अब आपकी एज बढ़ रही है, तो जैसे जो मम्मी पापा हैं उनका शरीर अलग है, ऐसे अब आपका शरीर भी ग्रो करेगा। मतलब आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, यहाँ पर हेयर ग्रोथ होगी, जो बॉयज़ होते हैं उनकी जो वॉइस होती है वो थोड़ी उसमें चेंज आ जाता है, गर्ल्स में बहुत ही बड़ा चेंज देखा जाता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। आज के टाइम में 10 साल की एज में मोस्टली गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो गर्ल्स को आपको स्पेशली बताना है, डिस्कस करके रखना है पहले से कि पीरियड्स किस तरह से होते हैं, आपकी जो वजाइना है वहाँ से ब्लड निकलेगा, और किस तरह से आपको पैड्स यूज़ करने हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से बताएंगे ना बच्चे को, तो बच्चा एकदम से घबराएगा नहीं जब उसके शरीर में चेंजेस होंगे। एंड यस, इस एज में मूड स्विंग्स होंगे क्योंकि हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपको अपने बच्चों को समझना भी है। ऐसा नहीं आपको बच्चा चुपचाप सा लग रहा है, ठीक से बात नहीं कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है और आप उसे गुस्से में बात करने लगे, नहीं, एक ऐसी स्टेज है, आपको बच्चे को समझना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चा इस स्टेज से आसानी से निकल पाता है। तो 12 साल की उम्र तक ये करना है आपको। 13 से 18 साल की बात आ जाती है, 13 से 18 साल की एज में बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, सेक्स रिलेटेड बात करें, प्रेगनेंसी की या कंट्रोल मेथड्स की या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, वो सारी चीज़ें आपको 13 से 18 साल में बतानी होती हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है 13 साल का है तब एकदम से आपने कंट्रोल मेथड्स बता दे, वो नहीं, इनको भी एक एक करके आपको बताना होता है। पता है यहाँ पे एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट होती है, आपको अपने बच्चे का इंटरेस्ट भी देखना होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, उन्हें और किस चीज़ से मतलब नहीं होता, तो आप उनको धीरे धीरे करके भी एक एक स्टेप करके चीज़ें बता सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इन चीज़ों को लेके बड़े ही क्यूरियस होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, मतलब इस तरह से बहुत क्वेश्चन अराइज करते हैं। तो उनको आपको फिर अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आप उनको पहले भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट भी आपको देखना होता है। एंड यस, 13 से 18 साल की उम्र में एक चीज़ आपको ज़रूर बोली है बच्चे को, क्योंकि देखो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो बच्चे पहले फ्रेंड्स थे अब इस एज में आके वही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, तो आपको कंट्रोल करना ज़रूर सिखाना है, आपको बच्चे को बताना है इस एज में देखो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप दूसरे बच्चे की तरफ, जैसे कि अगर बॉय है तो गर्ल की तरफ अट्रैक्ट होगा, गर्ल है तो बॉय की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें समय से ही होती हैं। अभी ये टाइम आपको पढ़ने का है तो आपको अपने पढ़ने पर ध्यान देना है। जब शादी हो जाती है, शादी के बाद आपकी सेक्सुअल लाइफ स्टार्ट होती है, तो ये सब चीज़ें बाद में करने की होती हैं, अभी का टाइम दोबारा नहीं आएगा। इस तरह से आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं, कुछ स्टोरीज इस तरह की बता सकते हैं कि देखो इन लोगों ने हार्ड वर्क किया और अब देखो कितना अच्छा वेल सेटल्ड हैं और उनकी शादी भी हो गई है। तो इस तरह से आप बच्चों को थोड़ी स्टोरीज भी बताएं, क्योंकि 13 से 18 साल की एज ऐसी होती है, बच्चा अगर संभल गया तो संभलेंगे और अगर गलत ट्रैक पे गया तो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पेरेंट्स को बहुत अलर्ट होना होता है। एंड यस, जैसे आप नेट यूज़ करते हैं तो बच्चे की हर एक हरकत पर आपको ध्यान देना होता है। नेट के बारे में तो मैं छोटी एज ग्रुप में भी कहूँगी, क्योंकि आजकल नेट पे बच्चे कुछ कुछ देखने लगते हैं, उनको नहीं पता होता है ना, बस वो देखते हैं कुछ अलग सी चीज़ हो रही है तो देखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप अपना लैपटॉप अपने बच्चे को दे रहे हैं, वो नेट यूज़ कर रहा है तो किस तरह की वीडियोस देख रहा है या क्या चीज़ चला रहा है, आप हिस्ट्री में जाके देखें, बाकायदा चेक करें बच्चा क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना होता है। एंड यस, 13 से 18 साल की उम्र में बच्चे को धीरे धीरे आपको सब बताना है कि क्या चीज़ कैसे होती है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं है 13 से 18 साल की एज में, नहीं, अगर आप 12 साल तक की एज के आपने स्टेप्स पूरे फॉलो किए हैं ना, तो आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप इतने में ओपन हो जाते हैं अपने बच्चे के साथ भी और आपका बच्चा भी आपसे ओपन हो जाता है। एंड यस, एक बात और ध्यान में रखिएगा, बच्चे को सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में कहीं और से जानकारी मिले, नेट से मिले या अपने साथी दोस्तों से मिले, तो वो जानकारी आधी अधूरी होगी और वो नुकसान भी दे सकती है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखना, गलत जानकारी नहीं मिलनी चाहिए हमारे बच्चों को कि कुछ गलत हरकत कर बैठे। तो जब आपके दिमाग में बात आएगी ना, गलत जानकारी मिलेगी तो कुछ गलत हरकत भी हो सकती है, तो उससे अच्छा है कि आप अपने आप खुद ही अपने बच्चे के साथ शेयर करें। यस, उसको ट्रस्ट भी दिलाएं, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी है, किसी भी चीज़ को लेकर आप अपने पेरेंट्स के पास बेझिझक आओ, आपके पेरेंट्स उसका सोल्यूशन निकालेंगे।
उनके अलावा कोई आपका इतना अच्छा नहीं सोच सकता जितना पेरेंट्स सोच सकते हैं। ये चीज़ बच्चे के माइंड में ना शुरू से डालना आपको चाहिए। बच्चे के माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करता है कि मम्मा पापा ऐसे बोलते हैं तो मुझे उनके पास जाना है, ठीक है। अगर कुछ गलत है, इनफैक्ट अगर बच्चा किसी गलत चीज़ में चला भी जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई थिंक एज वाइज आप किस तरह से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है, एकदम एक वीडियो में तो मैं इसको नहीं समराइज कर सकती, लेकिन कोशिश की है मेन मेन पॉइंट्स आपको डिफाइन करने की कि किस एज में क्या सिखाना है बच्चों को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा सभी पेरेंट्स के लिए। एंड यस, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।